है कि देश आजाद है। ये देश गांधी जी के जब उस पीरियड में देश आजाद हुआ था तो झोपड़पट्टियों को, फुटपाथ वाले को, जितने घर वाले हैं इनको सुविधा मिलती थी, कोऑपरेट किया जाता था। नेता लोग, नगरी लोग, जो नगर सेवक, जो यहाँ के रहने वाले, हम बस से जाते हैं, हम सरकारी भाड़ा देते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वो भी सरकारी, हमारा डिपार्टमेंट का पैसा जाता है। हम अपने घर में सरकारी नल लगाते हैं, वो भी पैसा जाता है। राशन कार्ड बनाते हैं, वो भी सरकारी पैसा जाता है। अपनाले वाले आते हैं, सर्वे करके जाते, नंबर डाल के जाते, रूम बना के जाते, हमारे को एक सहारा दे के जाते, सुविधा दे के जाते। आज ये सरकार, ये नेता, नगरी लोग ये कहाँ सोए हुए हैं, जब ये बीमार्ट से अपने बीएमसी के जो ऑफिसर लोग आ रहे हैं इनके साथ में मिलकर कोऑपरेट करके हमारे रूमों को दबाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 100 फीट है, 200 फीट है, 300 फीट है। आखिर में ये सब जनता कहाँ जाएगी? आप जनता के लिए कोऑपरेट करने के लिए बने हैं, आप वोट मांगने आते हैं। आप अभी कभी आग लग जाती है या किसी की हत्या हो गई तो आप वहाँ पे देख के सर्वे करके आप 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख दे के चले जाते हैं। अगर इस पब्लिक को 7 फुट का रोड पास किया गया था, अगर वो एडजस्ट करके ये गरीबों को अगर आप बैठा देंगे तो आपसे नरेंद्र मोदी तक की ये विनती है, अबू हाजिम तक की भी विनती है, नगर सेवक की भी विनती है, जितने यहाँ पे पद पे हैं, हम गरीबों की एक मांग है कि आप सब हमारे लिए कोऑपरेट कीजिए और सुविधा कीजिए और हमारे लिए, और कोई किसी से कोई बुराई नहीं है, ये सब एक राजनीति है और एक गड़ा है कि ये सब गरीबों को भगाया जाए। यहाँ पे कुछ लोग भाड़े से रहते हैं, वो खाली कर देंगे और जिनका रूम है उनको खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो घर कहाँ से बनाएंगे? जो थोड़ा थोड़ा सरकार ने सुविधा निकाली थी वो प्रूफ हमने बनाया, उस प्रूफ को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, बच्चों की सर्टिफिकेट, जन्म पत्री, ये सब लेके आपके सामने हम हाजिर है। और हमारी यही विनती है कि आजाद देश हिंदुस्तान में हमको सुविधा दिया जाए, नहीं तो ये पद मंत्री कोई भी सीट को हम नहीं मानते हैं। क्यों जनता को तकलीफ तो तुम्हारे को सुख रह के कोई मतलब नहीं है। और हमारी यही मांग है मीडिया से कि कोऑपरेट कीजिए और हमारी जनता, माँ बहने भाई जितने भी हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुस्लिम हैं, सिखाई हैं, इन सब का आप लोग सहयोग से साथ दीजिए। और ये नाले को सरकार के, हमारे यहाँ पर नेता लोग ने नाला यहाँ पर कम से कम 10 फीट यहाँ सरका दिया गया, फिर उसके बाद में रोड की प्लानिंग डाला गया तो रोड भी 7 फुट आ रहा था, तो हमारे झोपड़पट्टियों को अंदर ढकेला जा रहा है। हम गरीबों पे इतना अत्याचार किया जा रहा है, आज 15 दिन से यहाँ कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई पानी नहीं पी रहा है, कोई अस्पताल में एडमिट है, किसी के बच्चे की देखिए इतनी हालत है। हम किससे भीख मांगे तो मांगे।